वो दूसरा वाला भी मार रहा है सपोज मुझे को कैसे हाँ जी गाइस, तो उस टाइम के बाद से हम लोग होटल में चेक इन करके सो गए थे, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और अब चलते हैं कहाँ, अब शायद जू चलते हैं या फिर मॉल रोड की तरफ बोटिंग ETC करेंगे और देखते हैं जो भी करते हैं फिर। और 1 घंटा कम से कम सोए, बहुत ज़्यादा थक गए थे। चलें, चलो सब सामान ले लो यार। चल रहे हैं, चलो। वॉलेट है ना? सैटरडे संडे को तो काफी भीड़ रह रही है, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं हो रही नैनीताल में, पर वीकडेज में आने का हमारा ये फायदा रहा, मतलब सही से घूम ले रहे हैं हम, यही कम बड़ी बात नहीं है। तो अभी जू के लिए जा रहे हैं और पैदल रास्ता है बिल्कुल लाइक दिस, इतना स्टीप है कि चल नहीं मिल रहा है बिल्कुल, मैं तो थक गया बिल्कुल भी। स्टीप है बिल्कुल, थक गया हूँ मैं तो। अरे यार आराम से चल लो, कुछ ज्यादा ही तेज भाग रहे हो तुम, कहाँ से ला रहे हो इतनी एनर्जी। क्या हुआ, थक गए भाई? कितनी दूर और रह गया है? वैसे जित पैदल ज्यादा है थोड़ी, पर वो चढ़ाई की वजह से ज्यादा लगा अपने लोगों को, वैसे इतना कुछ ज्यादा है नहीं। रीच रेड जू, काफी कितने का? 100 रुपए का। काफी मुशक्कतों के बाद आए जू में यार, थक गए बिल्कुल। हो गए तुम तो गाइस, यहाँ का टिकट है 50 रुपीज ईच, 50 का है। ओए टिकट कितने का? 100 रुपीज पर पर्सन। 100 रुपीज पर पर्सन, पहले शायद 50 रुपीज का था, अब 100 रुपीज पर पर्सन हो गया। और आने के लिए काफी मुशक्कत है, टाइगर उसी के अंदर है जहाँ भीड़ बहुत है। और मतलब उठा भी था काफी देर तक, बैठा था फिर बाद में उठा, मतलब वीडियो मैंने बनाई थी आपने देख ली होगी, टाइगर काफी हमारी तरह थे वो भी टाइगर। मैंने कहा घूमने आए थे, 2 घंटे सो गए रूम में, मैंने इसे उठाया वरना उठते ही नहीं, चुका के फॉरेस्ट में छोड़ा गया। लेपर्ड चाचा उसको से कूद गया होगा, कोचिंग नहीं है। अरे इधर तो नहीं गया इधर, दूसरा वाला गया, कैसे हो गया वो? ये बड़ा मस्त लिखता है जैसे सो रहा है, वो सो रहा है झूले में। गाइस लेपर्ड ही लेकर हिल बैठ रहा है, ऐसा लग रहा है मर उड़ गया ऊपर करते हैं ऐसे झांकते रहेंगे। तो आपको मैंने टाइगर भी दिखा दिया, ल्यूपर्ड भी दिखा दिया, और वो बियर तो सो रहा है भालू, और जब उठेगा तो उसे भी दिखा देंगे, फिलहाल उसमें कुछ खास नहीं है। और बाकी आपको कैसा लग रहा है जू नैनीताल? काफ़ी अच्छा बना है, मतलब काफ़ी सही है, और इसका टिकट 100 रुपीज़ ईच पर्सन है, पर आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि बिल्कुल ये समझ लो ऐसे है, ऐसे चढ़ाई है,
और कार वाले जो होते हैं वो लोग बहुत पहले छोड़ देते हैं, तो मुझे नहीं लगता उससे पहले तो मैं पैदल चल के आ गया था। तो जो जिनके घुटनों उंडों में दिक्कत है वो मत आना, भाई पहले बता रहा हूँ। चलो यहाँ से रहेंगे। हिमालयन गुरुल भारत है, ब्लू शीप इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, ब्लू शीप। अच्छा ब्लू शीप, ओके। तो गाइस ये सांबर है, दिस इज इनफॉर्मेशन। सांबर इज लुकिंग लाइक अ नील गाय, सेम एज इट इज नील गाय। वैसे जू में है तो बहुत सारी चीजें पर दिखती सिर्फ तीन ही चार चीजें हैं, बाकी सब खाली नाम की हैं, बाकी सिर्फ सोते रहते हैं। रेड पांडा पेड़ पे बैठा है, उसे कुछ लेजी है, बहुत सारे एनिमल्स लेजी हो जाते हैं ना यहाँ पे, खाना उन्हें मिल रहा है, उन्हें हंट करना नहीं है। ये है मेन रीजन। और मोर की एक इंटरेस्टिंग बात आप लोग को पता है, जो फीमेल पिकॉक होता है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है एज कम्पेयर टू मेल पिकॉक। जो पहले दो, एक वाइट पिकॉक था और एक इंडियन ब्लू, वो तो फीमेल था, और दूसरा जो था मतलब उसको कहना तो कुछ नहीं चाहिए फिलहाल, वो तो नेचर है फिलहाल। जो मोर ब्यूटीफुल जो होता है फीमेल वाला होता है, आपने देखा होगा, कंपेरिजन देख लिया होगा, फीमेल वन इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन मेल वन। या तो दिस वॉज ऑल इन दी जू, आपने देख लिया होगा, होपफुली अच्छी लगी हो वीडियो। अब चलते हैं यहाँ से, कहीं और चलते हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या करते हैं। हम लोग जू से आ चुके हैं फिलहाल। जू में मुझे ये लगता है कि दो तीन एनिमल हैं, उन्हीं पे हाइप क्रिएट करके तो लगता है खाली टाइगर, लियोपर्ड और डियर बस यही तीन चार हैं, बाकी सब तो कुछ दिखते नहीं। बाकी अभी हम लेक साइड, नैनी लेक के किनारे चल रहे हैं, और क्या करोगे, बोटिंग। हाँ तो अब बोटिंग करेंगे, बाकी देखते हैं जो होता है। पहले थोड़ी सी बिरयानी खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, दोपहर में कुछ खाया नहीं है हमने, और लंच करेंगे। लंच हमारा होगा लगभग 4 बजे के आसपास, बाकी देखते हैं। बिरयानी के हम बहुत बड़े शौकीन हैं तो बिरयानी खाएंगे सबसे पहले। अभी हम हैं भूतिया मार्केट में, और जू से तो बहुत देर हो गई, बिरयानी भी खा ली, अब भूतिया मार्केट में टहल रहे हैं। भूतिया मार्केट नाम देखो, भूतिया मार्केट ऐसा नाम कुछ और भी है शायद, वो नाम में ध्यान नहीं आ रहा, बाद में ध्यान आएगा, मैं यहाँ लिख दूंगा साइड में। चलो बोटिंग करते हैं फिलहाल, उस टाइम धूप बहुत तेज थी, अब मौसम थोड़ा सही हो जाए हमने सोचा तब कर ही जाए, बाकी भूतिया मार्केट का रश बहुत ज़्यादा है। Boat and the price of boat is around 210 for one boat, full boat, and it is a full round, and for the half round it is around 160. Yeah, so it is wonderful experience, you can also see the view. और काफ़ी मज़ा आया, तुम्हें ऐसा लगा भाई बोटिंग करके? बहुत बढ़िया, सही लगा। अब गई धूप, या इतनी देर से नहीं थी, तो धूप अब चली गई और काफ़ी सही व्यू है।
मतलब सही लग रहा है। वो वाला सूरज ना, रुक रुक मैं दिखा। कितनी होगी भैया? 120। पहनना आता तुम, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे इसका, कुछ नहीं हो सकता। कभी कोई नाव पलटी उल्टी है यहाँ पे? कभी कभी नहीं पलटी। फोर्स बहुत लगता है भाई, बहुत ज़्यादा फोर्स लगता। मेहनत तो है ही, काफ़ी सही लगा बोटिंग करके, और अब ख़त्म हो गई। केवल ऐसा लगता है कि होती रहे, बाकी अब कुछ और करते हैं, देखते हैं। हम लोग ने बोटिंग कर ली है और अब थक गए थे काफ़ी, तो हमने सोचा होटल चलते हैं। तो हमने रिक्शा ले लिया है कई सालों बाद, फिर भी तो रिक्शे ख़त्म हो गए थे वाले जो लिया। चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पैरों में क्या बताऊँ मैं आपको, थाई लैग सब हो गई, आज सारी एक्सरसाइज हो गई, सब पूरे साल भर की कसर हो गई। असल में ज़ू पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्टीप था ना, इस वजह से काफ़ी थक गए। अब रात उत में जाएंगे अगर जाएंगे तो, वरना फिर आराम ही करेंगे, देखते हैं। बाकी आपको कैसी लग रही है वीडियो, तो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। हाँ।